गाइस, क्या आपने पतंजलि कार देखी है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत देश जुगाड़ में नंबर वन है। तो गाइस, मिलिए आप गुजरात के रहने वाले सेजल शाह से। इन्होंने अपनी कार को गाय के गोबर से पूरी तरह से पेंट कर दिया, यानी उसको मल दिया है, यानी कि अपने कार के ऊपर गोबर का एक लेप लगा दिया। इनका ये मानना है कि गाय के गोबर को लगाने से कार में बैठे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से इनको राहत मिलेगी, यानी उनको ठंडक मिलेगी। वास्तव में ये पतंजलि कार का ही ब्रांड लगता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आप सब IPL तो जरूर देखते होंगे और IPL का लोगो भी देखा होगा। क्या आपको पता है कि इस लोगो में कौन सा बल्लेबाज है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लोगो में जो बल्लेबाज है उसका नाम FD Villiers है, जिनके एक शॉट से इंस्पायर होकर IPL के लोगो में इनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइस, क्या आपको पता है इस धरती पर किसका जहर सबसे अधिक महंगा बिकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिच्छू का जहर सबसे महंगा बिकता है, यानी इसकी कीमत काफी अधिक होने वाली है और इसकी 1 लीटर जहर की कीमत लगभग 66 करोड़ रुपए से अधिक होता है। तो गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस पेन से सिग्नेचर करते हैं? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मनी की मोट ब्लैक कंपनी का पेन इस्तेमाल करते हैं, यानी उसका यूज करते हैं और उसकी कीमत करीब 1,90,000 रुपए है। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइस, क्या आपके पास नोकिया का मोबाइल है? जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तब आपके नोकिया के मोबाइल में दो लोग हाथ मिलाते हुए आपको दिखाई देते हैं। उनमें से एक हाथ एक महिला का है जिसका नाम मार्था स्टुअर्ट है और जो दूसरा हाथ है वो एक चाइल्ड का है, यानी एक बच्चे का है और उसका नाम जैकर्स जॉनसन है। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने शिशु को कितनी देर तक रोक सकते हैं? कभी कभी हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसके वजह से हम अपने शिशु को नहीं कर पाते, यानी कि हम पेशाब नहीं कर पाते, मजबूरी में हमको पेशाब को रोक कर रखना पड़ता है। जब इस टॉपिक पर डॉक्टरों से पूछा गया तो डॉक्टर ने ये बोला कि हम इंसानों को 3 से 4 घंटे के बीच में एक बार शिशु जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लोग अपने इस जिंदगी में इतने बिजी हैं कि वो 3 से 4 घंटे में बार बार पेशाब करना तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो डॉक्टर ने ये बोला कि छोटे बच्चों का जो पेशाब का थैला होता है वो 1 घंटे में भर जाता है और हम वयस्कों का जो पेशाब का थैला होता है वो 7 से 8 घंटों में भर जाता है। तो गाइस, इतने समय के अंदर एक बार हमको तो शिशु करना ही होगा, नहीं तो हमको शिशु के इन्फेक्शन हो जाएंगे, पेशाब के थैली में बैक्टीरिया फैलने लगेंगे जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में जलन होगी, आपका पेशाब जल्दी से नहीं उतरेगा। ये भी हो सकता है यदि आप इसको बार बार करेंगे तो आपको पेशाब होगा ही नहीं, आपका पेशाब करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी आपकी पेशाब रुक जाएगी। इस धरती पर बहुत विषैले विषैले सांप मौजूद हैं। अगर हम इनलैंड टाइपन स्नेक के जहर की तुलना अन्य विषैले सांपों के जहर से तुलना करें तो आपको जानकर हैरानी होगी। इनलैंड टाइपन स्नेक का जहर किंग कोबरा के स्नेक के जहर से 150 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। क्रैट स्नेक के जहर से इनलैंड टाइपन का स्नेक का जहर 40 गुना अधिक मजबूत होता है। अगर हम रैटल स्नेक के जहर की तुलना इनलैंड टाइपन के स्नेक के जहर से करें तो इसका जहर 10 गुना अधिक खतरनाक होता है। जो हमारे इंडिया में कॉमन क्रैट स्नेक पाया जाता है वो किंग कोबरा के स्नेक से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसी तरह का अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें।